अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सुनाए क्या हाल है? ठीक है, हम भी आपकी दुआ से ठीक ठाक है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गजरेला, ठीक है ना? तो मैंने कहा चले बना के तो देखते हैं कैसा बनता है। अभी मैंने कहा थोड़ा बनाती हूँ, जब मौसम आएगा फिर और बना लेंगे। मैंने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा लेके आए, तो हस्बैंड फिर गाजरे ले आए थे। तो अभी साथ शाम ही बनाने लगी हूँ, तो दिखाते हैं आप लोगों को फ्रेंड्स। ये मैं आई थी डॉक्टर के पास, पता मेरी तबीयत कल की ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मेरा बीपी चेक करें। ये मैं डॉक्टर के पास आई थी तो डॉक्टर करने लगा मेरा बीपी चेक, क्योंकि बुखार भी था हुआ हुआ, मैं आपको कल बता रही थी। तो उसने किया बीपी चेक, बीपी चेक करते करते उसका बीपी वाला वो गिर गया था नीचे। तो देखें बीपी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। तो उसके साथ ही फिर ये दुकान है कॉस्मेटिक, ये अभी इस डॉक्टर की, उसके साथ हम पर... फिर मेडिसिन वगैरह हमने ली, मेरे साथ मेरी बाजी थी उन्होंने भी ली और मैंने भी ली। उसके साथ फिर दुकान थी कॉस्मेटिक की, उधर गए कुछ चीज़ें हमने लेनी थी मैंने, तो वो थोड़ी सी मैंने चीज़ें ली उधर से। तो आजकल फिर ये घर आ गए हैं, घर आके बाजी का बेटा ये, हस्बैंड जी नमाज पढ़ रहे हैं, हस्बैंड जी कर रहे हैं प्याज को कद्दूकस कर रहे हैं, और देख आंखों में जा रहे हैं। नहीं, ये इनकी आंखों में हो रहा है थोड़ा वो, तो ये इन्होंने कर दिया मुझे प्याज, मैंने कहा थोड़ा सा कर दे, मैं बिजी थी। मैंने ये गाजरें बच्चियों ने मुझे कर दी थी, तो मैं इसको भूनने लगी, इसको भूनने डालेंगे इसके अंदर इलायची, इसको भूनेंगे फिर साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये देखिए ये शामी का मसाला बना के रख लिया है, तो ये भी रेडी होता है तो दिखाते हैं। अम्मी और बाजी आए हुए हैं तो फिर साथ साथ उनको तो नहीं दिखा सकते, पर ये चीजें शेयर करूंगी। उनको फिर भी टाइम लगता है और बच्चे तो फटाफट इसको रगड़ लेते हैं, तो देखिए उन्होंने फटाफट मुझे 10 मिनट में ही करके दी है, अभी थोड़ी सी अभी ना, तो पर उन्होंने फटाफट मुझे करके दे दिया। मैं चले दूध लेके आई है, ये साथ सारी बच्चियां आई हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट ये कर लेते हैं। तो रात में पता गैस जरा तेज आई होती है ना, तो मैंने कहा चले ले आई हो। अच्छा चलो ठीक है, रखो, नानो बुला रही हैं आपको। चावल उबलने के लिए रखे हैं मैंने, ये चावल उबल रहे हैं मेरे, ये डालने हमने, ये गाजरे मैंने भून के रख ली है, थोड़ा सा इसमें आयल डाल, अपनी मर्जी होती है आयल डाल ले, घी डाल ले, देसी घी डाल ले, हमारे बच्चे देसी घी नहीं ना खाते इसलिए हमने आयल डाला है। और ये चावल हमारे पिस रहे हैं, लोग कट्ठा रख लेते हैं, हम कट्ठा नहीं रखते, हम लैदा लैदा इसको करते हैं। ये डालने लगे हैं दूध, गजरेला बनाने लगे हैं, दूध डालने लगे इसके अंदर, ये डाल दिए हम लोगों ने। आप देख रहे होंगे ये बड़ा रंग इसने छोड़ा, ये गाजरों का रंग होता है, ठीक है ना, जब अच्छी तरह इसको भूने तो फिर ये गाजरों का रंग निकलता है, क्योंकि ऑयल भी थोड़ा सा ढला होता है ना। तो वो भी देखे साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं, पकता है साथ साथ। जब मैंने जरा बना लिए बन गए हमारे, साथ साथ रात रोटियां बना रही हूँ मैं, तो मैंने कहा चले सारे काम साथ साथ शुरू हो जाते। गंशन बड़ा पड़ा हुआ है शेल्फों के ऊपर, ये मैंने मंगवाया है साथ ब्रोस्ट, दिखाते हैं आपको। ये देखिए साथ ब्रोस्ट मंगवाया हुआ है, मैंने कहा चले साथ मिक्स वेजिटेबल बनाई थी। ये लाए हम खोया, तो इसके अंदर डालने लगे हैं, तो ये पक रहा है तकरीबन। फ्रेंड्स लगता बड़ा टाइम है इस पे, तो पर अच्छा बनता है, मजेदार बनता है। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको भी अच्छा बनता होगा फ्रेंड्स, ये नहीं मैं कहती, आपका मुझसे भी ज्यादा अच्छा बनता होगा। देखिए फ्रेंड गैस हो गई हल्की हमारी काफी, तो अभी तो इसको काफी टाइम लगना है, तकरीबन घंटा लगना ही है ना, क्योंकि पतला है अभी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज।